अपनी खूबसूरती पे इतना गुरूर मत कर, तब दो दिन की मस्ती है, और ये तेरी खूबसूरती भी जब तक सलामत है जब तक क्रीम सस्ती है। ये कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। अभी जिसकी आप लैपटॉप में फोटो देख रहे हैं, ये लड़की के 4 बच्चे हैं। अबे पंडित तू नहीं समझेगा, लड़ने से प्यार बढ़ता है। तू पागल हो गया, हर दिन बकवास करता रहता है। अबे तेरे में दिमाग ही नहीं है। अरे तू शक्ल से नहीं, तू अकल से बंदर ही बंदर। तुझे क्या हो गया, अब तू क्यों लड़ रहा है? भाई प्यार बढ़ा रहा था, तूने बोला था लड़ने से प्यार बढ़ता है। एक दिन भाभी से पूछा, भाभी एक चीज बताओ, लव मैरिज अच्छी है अरेंज मैरिज? अब भाभी बोली, अरे भैया करेला चाहे उबाल लो या तल लो, स्वाद तो कड़वा ही आएगा। घर वालों के भरोसे रहेगी ना तो कुमारी मर जाएगी। देख क्या रही है, आत्मनिर्भर बन और भाग जा मुझे लेकर। अजी मुझे मेरी घरवाली से तलाक दिलवाओ। क्यों चाहते तलाक? अजी वो बर्तन फेंक के मारा है। अभी मारी है, पहले से मारती आ रही? ना पहले से मार रही। तो इतने दिन बाद क्यों तलाक सोच रहा तू? अजी अब उसका निशाना पक्का हो गया, मेरी सास की है ही मारे। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो बोल देती ना। क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे यार मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे नहीं करती है, लेकिन ये बात इसे मुझे आके बतानी चाहिए थी ना, जाके मेरी बीबी को बता दिया। सुने आपसे एक सवाल करूँ? हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने ये पूछना था कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम दुनिया की सबसे क्यूट लड़की हो। थैंक यू। पर मैंने ये पूछना था कि अगर नहीं, एक तरफ मैं एक तरफ को रहने दो, आप ही हो सारा कुछ, दूसरी तरफ मैं देखता ही नहीं हूँ। चाहे दुनिया की खूबसूरत, मतलब मेरे लिए तो तुम ही हो खूबसूरत ना। तो रहने दो इस बात को। लेकिन वैसे अगर देखो, अगर तुम मर भी गई ना, तब भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं सिंगल रहूंगा। अगर मैं पैदा ही ना हुई होती तो मैं तुम्हारे बाप को ढूंढता और मैं बोलता कि कोई अपनी एक बेटी पैदा करो और मैं उससे शादी करूंगा ताकि। हाँ। अगर मेरे बाप भी पैदा ना हुए होते तो बताए ना। मुझे पहले ही पता था ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते।